गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देखते हैं, देख रहे हैं। बहनों भाइयों इस वीडियो में चर्चा करूंगा मेष राशि के अप्रैल 2021 के भविष्यफल की। ये भविष्यफल मेष राशि और मेष लग्न के लिए है। अगर आप मेष राशि मेष लग्न के हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। इस ग्रह में सूर्य से लेकर के राहु केतु तक नवग्रहों का आपकी राशि पे गोचर का प्रभाव बताऊंगा। जो ग्रह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा उसका उपाय बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह इस महीने आपकी राशि से ठीक नहीं है, आपके लग्न से ठीक नहीं है। पूरे माह सूर्य मंत्र का आपको जप करना चाहिए, बंदरों को गुड़ चने खिलाने चाहिए, संतान के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य हर कार्य में व्यर्थ की बाधाएं पैदा करेगा, धन हानि मान सम्मान में कमी पैदा करेगा, मन चित्त उदास रहेगा, उदर विकार नेत्र कष्ट थकावट मानसिक परेशानियों में वृद्धि करेगा, मित्रों और संबंधियों से भी मन मुटाव और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा। जब सूर्य मंत्र का जप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा के बारे में बताऊं तो चंद्रमा के गोचर को मैं बता दूं तो 1-2 तारीख को अपच खांसी अथवा स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। मानसिक क्लेश चोट का डर है, आकस्मिक विपत्ति का खतरा है। 3-4 तारीख को स्थान परिवर्तन हो सकता है, भाग्य की कमजोरी देखने को मिलेगी। व्यावसायिक हानि से मानसिक परेशानी हो सकती है, मन उदास रहेगा, शिथिलता रहेगी। 5-6-7 अप्रैल को सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, अधिकारियों से अनुकूलता मिलेगी और सर्वपक्षीय लाभ मिलेगा। 8-9 अप्रैल को देखें तो व्यापार से लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति, आय वृद्धि और प्रेम संबंधों में सफलता, तरल पदार्थों के व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, मित्रों रिश्तेदारों से भी सुख और सहयोग मिलेगा। 10-11-12 तारीख को देखें अप्रैल में तो शारीरिक कष्ट, आंखों में परेशानी, निरुद्देश्य भ्रमण, प्रेम संबंधों में निराशा, जीवन साथी से मनमुटाव और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। 13-14 अप्रैल को सुख आनंद की प्राप्ति होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शारीरिक सुख ठीक रहेगा, वस्त्रादि का लाभ मिलेगा, यात्रा भी हो सकती है और भाग्य का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। 15-16-17 तारीख को देखें तो कार्यों में अनावश्यक बाधा हो सकती है, विद्या के असंतोष परिणाम आपको मिल सकते हैं, पारिवारिक कलह इस दिनों में किसी को उधार न दें। 15-16 तारीख अप्रैल को किसी को उधार न दें। 18-19 तारीख को मानसिक प्रसन्नता, स्वास्थ्य अच्छा और द्रव्य सुख, आर्थिक उन्नति, जीवन साथी से प्यार और लाभ, भाग्य का पूर्ण सहयोग, यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आकस्मिक रूप से प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा और शत्रुओं पर विजय मिलेगी। 20-21-22 तारीख को देखें तो प्रॉपर्टी विवाद, पारिवारिक कलह से मानसिक परेशानी हो सकती है, मन और चित्त में कहीं ना कहीं चंचलता और अस्थिरता आपको परेशान कर सकती है, नींद में विकार हो सकता है, छाती में तकलीफ और भ्रम की स्थिति हो सकती है। 23-24 तारीख को यात्राओं से सावधानी जरूर रखिएगा, मान सम्मान में कमी, मानसिक अशांति, घर में निराशा, प्यार में निराशा, उदर और काम विकारों में परेशानी। 25-26 तारीख को देखें तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी, धन यश आनंद का लाभ मिलेगा, नौकरी मिलने की संभावना है, मुकदमे में जीतने के अवसर मिलेंगे। 27-28 तारीख को वाहन सुख, धन लाभ, आर्थिक उन्नति, व्यापार में लाभ, यात्राएं आनंददायक रहेंगी, ख्याति प्राप्त होगी, अतिथि का आगमन होगा या घनिष्ठ मित्र व्यक्ति से, घनिष्ठ मित्र से मुलाकात होगी। 29-30 तारीख को शारीरिक स्वास्थ्य को का ध्यान रखें, झगड़ा विवाद और मानसिक क्लेश से बचें, आकस्मिक विपत्ति का भय आपको परेशान कर सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है। मंगल के गोचर को देखें बहन भाइयों तो अप्रैल माह में 13 तारीख तक अगर देखा जाए तो विवाद, लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है, डर हो सकता है, कार्यों में असफलता, नेत्र विकार, पित्त प्रकोप से परेशानी हो सकती है, गलत शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। लेकिन 13 तारीख के बाद मंगल आपका ठीक हो जाएगा, राजकीय सहयोग मिलेगा, साहस में वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे, तर्क शक्ति बढ़ेगी, धन शक्ति बढ़ेगी और व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी ये मंगल आपकी करेगा। बुध के गोचर को देखें तो बुध का गोचर पूरे महीने अच्छा नहीं है, मन और चित्त में संताप, नींद में परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी, विवाद झगड़े में हानि, शत्रु पीड़ित करते हैं और विद्या प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, हानि होती है।
पूरे माह आपको गणपति मंत्र का जप करना चाहिए या ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु की बात करें तो 5 अप्रैल के बाद गुरु ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सुप्रद रहेगा धन प्राप्ति में और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करेगा। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होगी। पुत्र और राजाधिकारियों से आपको सुख सहयोग और लाभ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यानी गुरु 5 अप्रैल के बाद आपकी राशि पर बहुत अच्छा होने वाला है। शुक्र ग्रह आपकी राशि पर पूरे माह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। धन और मित्रों से लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी। सुप्रद शनि की बात करें तो शनि का गोचर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और काफी पिछले समय से नहीं ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का सामना कराता है। सफलता बाधित होती है। पाप कर्मों से मानसिक व्यथा होती है। अनावश्यक व्यय से आर्थिक स्थिति कमजोर रह जाती है। छाती हृदय रोग और रक्तचाप से पीड़ा हो सकती है। घर में परेशानियां और आकस्मिक हानि के योग बनते हैं। पूरे माह शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। राहु के गोचर को देखें तो राहु भी बहुत अच्छा नहीं है। धन हानि, कुटुंब विरोध, विद्या प्राप्ति में बाधा, रुकावट, हानि, शत्रुओं से वृद्धि, व्यय अधिक, तो इसके लिए आपको सफेद चंदन का टुकड़ा गले में पहन लेना चाहिए। केतु की बात करें तो अचानक धन हानि, लेकिन विदेश यात्रा की संभावनाएं अच्छी। बच्चों को कष्ट हो सकता है। गुप्त रोगों की आशंका हो सकती है। तो केतु के दोष के निवारण के लिए गणपति मंत्र का जप करें, नित्य गणपति मंत्र का जप करें, सूर्य मंत्र का जप करें और बुध मंत्र का जप करें। ये आपके पूरे महीने के लिए ठीक रहेगा। और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।